छतरपुर एक्सप्रेस, आप देख रहे हैं छतरपुर एक्सप्रेस। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं दमोह से। रीवा में पदस्थ पटवारी की कार नदी में पलट जाने से मौत, एक ही था सवार। रीवा में पदस्थ पटवारी आदित्य सोनी अपने पिता को देखने आया था, जो खोजाखेड़ी नदी में बिलोनो कार क्रमांक MP09CX3097 अनियंत्रित होकर पलट गई। यह घटना रात 12 बजे की बताई गई है। आज सुबह खोजाखेड़ी निवासी छन्नू रजक ने देखा तो तत्काल पुलिस स्थानीय लोगों को सूचना दी। मौके पर देहांत थाना प्रभारी आनंद सिंह ठाकुर, सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, प्रधान आरक्षक मुकेश दुबे, राम गोपाल, आरक्षक विजेंद्र, 100 डायल कोमल पायलट, आरक्षक भानु प्रताप ने मौके पर पहुंचकर क्रेन के माध्यम से कार को नदी से बाहर निकाला और बिलेनो कार को खोलकर देखा तो आदित्य सोनी मृत हालत में पड़े मिले, जहां पुलिस शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर रही है और पूरे घटना की जाँच शुरू कर दी है। देखिए, कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि खोजाखेड़ी नदी पुल के पास एक गाड़ी जो है वो डूबी हुई दिखाई दे रही है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन की टीम, होमगार्ड की रेस्क्यू टीम और क्रेन के साथ इस गाड़ी को तत्काल निकाला गया। एक व्यक्ति गाड़ी में, जिसका नाम आदित्य सोनी, जो कि रीवा में पटवारी के रूप में पदस्थ थे, जिनका निज निवास पथरिया था, वो कल रीवा से अपने निज निवास पथरिया आ रहे थे। देर रात्रि में संभवतः जो परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से जो है घटना हुई। प्रकरण में हमारे पंजीकृत